राम राम, शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर एस के पांडे, अध्यक्ष भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद गन्ना प्रजनन संस्थान करनाल, आपके सम्मुख उपस्थित हूं, क्योंकि गन्ना से जुड़े विकास अधिकारियों, किसान भाइयों के प्रश्न फोन पर लगातार पूछे जा रहे हैं कि टॉप बोरर के नियंत्रण के लिए क्लोरेंट्रानिलीप्रोल दवा के प्रयोग की उपयुक्त विधि क्या है। किसान भाइयों, आप सभी वर्षों से क्लोरेंट्रानिलीप्रोल दवा का प्रयोग टॉप बोरर के नियंत्रण हेतु कर रहे हैं, तो अब इसमें मुझे ये बताना है कि टॉप बोरर के नियंत्रण हेतु क्लोरेंट्रानिलीप्रोल का प्रयोग कब करें, उपयुक्त समय क्या है। उपयुक्त समय अप्रैल के अंतिम सप्ताह से लेकर मई का दूसरा सप्ताह है, लेकिन अब तो मई का दूसरा सप्ताह बीत गया, जो किसान भाई नहीं कर सकते हैं, कर पाए हों अभी भी कर लें, और गेहूं के बाद जो रोपित फसल है उसमें अभी अंकुरण हो रहा है, उसमें 15 जून तक मिट्टी चढ़ाने से पहले इस दवा का, इस क्लोरेंट्रानिलीप्रोल का प्रयोग आप कर सकते हैं, उपयुक्त समय है। और कैसे करें, इस दवा को 150 मिलीलीटर क्लोरेंट्रानिलीप्रोल की 150 मिलीलीटर मात्रा को 300 लीटर पानी में घोल बनाकर, घोल एक ही बार बनाएं और जड़ में देना है, जिसको कहते हैं कॉलर ड्रेंचिंग। एक बार बनाए हुए घोल को दो विधि से आप डालते हैं, एक तो नैपसैक पीठ वाले स्प्रेयर से, दूसरा ट्रैक्टर चालित स्प्रेयर पंप से। तो पीठ पर वाले यंत्र से डालने के लिए उसका स्प्रेयर का नोजल ढीला करके बूंद बूंद जड़ों में डालें, और ट्रैक्टर चालित स्प्रेयर का प्रेशर कम रखें और बूंद बूंद दवा उसकी जड़ों में डालें। और ये दवा डालने से पहले खेत की सिंचाई कर लें, और उसमें जब पैर टिकने लगे यानी बत्तर आ जाए, तब दवा क्लोरेंट्रानिलीप्रोल की ड्रेंचिंग करें, क्योंकि अगर सूखे खेत में डालकर आप पूरा पानी भर देंगे, दवा ज़मीन के नीचे चली जाएगी और जड़ क्षेत्र में रुक नहीं पाएगी, जैसे पौधे उसको अवशोषित नहीं कर पाएंगे, जिसका किट टॉप बोरर का नियंत्रण नहीं हो पाएगा। अतः किसान भाई, आप इस विधि के द्वारा क्लोरेंट्रानिलीप्रोल का प्रयोग व्यवहार करें, प्रयोग करें। मुझे बहुत सारे लोगों का आदेश प्राप्त हुआ है कि मैं विभिन्न जानकारी गन्ना कृषि से संबंधित YouTube के माध्यम से प्रेषित करता रहूं, तो मैं प्रयास करूंगा, और इसी क्रम में एक वीडियो क्लोरेंट्रानिलीप्रोल का प्रयोग, उपयुक्त प्रयोग कैसे करें, इस विधि में आपके समर्पित करता हूं। और आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली कोई वीडियो हो तो आप तक पहुँच सके। बेल आइटम को दबाएँ और कमेंट बॉक्स में कोई भी प्रश्न हो तो आप लिखें, तथा अधिक से अधिक शेयर करें कि अधिक से अधिक किसान भाई इसका लाभ उठा सकें। और मैं आप लोगों के प्रोत्साहन के बाद अगली वीडियो भी बनाऊंगा और आपसे जुड़ा रहूंगा। जय हिंद, जय किसान, जय भारत।